आए हैं उसके बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। वो बिल एक अजीब सा टाइम पे आया क्योंकि कुछ दिन पहले 25 तारीख को दिल्ली सरकार ने बजट पास करी और तब एक भी लफ्ज उन्होंने इस बिल के बारे में इंडिकेट नहीं किया। बात की यूजुअली अगर जो होते हैं, अगर आपको टैक्स बढ़ाना हो और इमीडिएटली या टैक्स प्रपोजल आप कुछ इंक्रीज करने के लिए सोच रहे हो तो बजट में उसका अनाउंसमेंट होता है, वो एक रेगुलर नॉर्म है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला और उन्होंने इस तरह की इंप्रेशन दी कि आप लोगों को, अगर बजट स्पीच आप लोगों ने सुना होगा तो ऐसे उन्होंने इंप्रेशन दी, बहुत हंस हंस के उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि लोग खुशी खुशी वैट टैक्स देंगे, बहुत खुशी खुशी देंगे। आप लोगों को याद होगा कि इलेक्शन से पहले लगातार केजरीवाल जी एक का बाद एक उन्होंने मीटिंग करी, हर जगह उन्होंने यही बोला बार बार करके और उनका पार्टी मैनिफेस्टो में भी है कि दिल्ली को सबसे कम वैट देने वाले स्टेट बनाएंगे, द लोएस्ट वैट रेशियो इन द कंट्री। उनका अगर हम बजट भी देखेंगे, उनका बजट आप देखिए, उनका ये प्रपोजल था, उन्होंने बोला कि यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन जो होगी, रेवेन्यू कलेक्शन में उनका सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका प्रोजेक्शन, उसका थ्रू वैट कलेक्शन एस्टिमेट है 24,000 करोड़। ये तभी भी हमें थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगा और हम इस बारे में आप लोगों को पहले भी बताया, प्रेस को बताया कि ये बहुत ही अनरियलिस्टिक लग रहे हैं कि इस तरह से 24,000 करोड़ वो थ्रू वैट कलेक्ट करेंगे, क्योंकि आप पिछले सालों में अगर देखेंगे कि पिछले साल का, मैं बता, 2013-14 का अगर आप फिगर देखेंगे, 2013-14 में वैट का कलेक्शन हुआ था लगभग 17,925 करोड़ का आया था वैट कलेक्शन, और उसके बाद 2014-15 में हमारा कलेक्शन हुआ है 18,289 करोड़। तो ये दोनों के बीच में हम देखते हैं कि खाली हमारा जो वैट का जो इंक्रीज हुआ है, टैक्स कलेक्शन का जो ग्रोथ रेट है, इट वाज रेज बाय ओनली 2%, 2.03%। और अभी ये बोल रहे हैं कि हम 6,000 करोड़ हम एक्स्ट्रा वैट के थ्रू हम लाएंगे, विच मींस एन इंक्रीज ऑफ टैक्स कलेक्शन ऑफ 31%। सो आप 2% से आप 31% आप इंक्रीज करोगे, सो एंड विदाउट रेजिंग द टैक्सेस। तो ये थोड़ा सा हमें बहुत ही स्ट्रेंज लगा था कि इसका लॉजिक, इसका पीछे लॉजिक क्या है, लेकिन मनीष सिसोदिया जी ने कुछ भी हमें इंडिकेशन नहीं दिया थ्रू हिज बजट स्पीच कि इस तरह के कोई झटका लग सकते हैं। रादर उन्होंने बोला, मैं उनसे रीड आउट करती हूँ उनके स्पीच से, दिस गवर्नमेंट believes in providing a stable tax regime. We are not tinkering. देखिए, we are not tinkering with the tax rates, but in a few clarifications to remove ambiguity in case of a certain items. We do not want to alter tax rates without due thoughts and analysis. We are against playing to the galleries because of a taxation that finance ministers have raised or reduced tax items in the budget. We wish to collect and mine data, do data analysis, have multi-level consultations and studies before proposing modifications in the tax regime. ये 25th को उन्होंने budget speech में बोला कि हम बहुत सोच विचार करके, multi-level consultation करके ही हम अगर tax में change करना है तो करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि वी आर नॉट प्लेइंग टू द गैलरी। पर देखिए, एक मीडिया का हेडलाइन ग्रैब करने के लिए कि नो टैक्स बजट, जस्ट टू ग्रैब द मीडिया हेडलाइन नो टैक्स बजट, ही हैज प्लेइंग टू द गैलरी। 25 तारीख को उन्होंने ये बजट में ये बोला और कोई भी इंडिकेशन नहीं दी कि ग्रैब में कोई इंक्रीज आ सकते हैं, और 29 जून को इस बिल अमेंडमेंट, इट वाज प्रपोज्ड एंड इट वाज क्लियर।
उनका भी एक हिसाब से वेट्रिक है, क्योंकि उनको भी पता था कि ये जो अनरियलिस्टिक बजट है विदाउट रेजिंग द वैट प्रॉब्लम दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। इस बात का सिग्निफिकेंस क्या है? और वो बोल रहे हैं कि हम वैट एक्चुअली हमने इंक्रीज नहीं किया है, लेकिन हम ये परमिसिबल एक पॉसिबिलिटी कि अगर हम इंक्रीज कर सकते हैं, इसी का परमिशन हमने लेजिस्लेटर से लिया है। इसका एप्लीकेशन ये है, अगर आप बोल रहे हो कि आप टैक्स में कोई आप चेंजेस नहीं लाओगे विदाउट एनी डेलिबरेशन विदाउट प्रॉपर थॉट्स, तो फिर ये इंक्रीज करने का फ्रॉम 20% टू 30% व्हिच इज क्वाइट अ बिट, इसकी जरूरत क्या है? देयर वाज नो नीड फॉर दिस अमेंडमेंट। और इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, ये फोर्थ शेड्यूल में 11 आइटम है, उसमें ये अमेंडमेंट लागू है। उसमें देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स व्हिच इज पेट्रोल एंड डीजल, द गैसोलीन एंड द डीजल। अगर ये दोनों में वैट इंक्रीज हो गया तो आप लोगों को इसके लिए कोई इकोनॉमिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है कि किस तरह से अगर ये दोनों में वैट इंक्रीज हुआ तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस हाइक होगी एंड हाउ इट्स गोइंग टू लीड टू इन्फ्लेशन ऑफ ईच एंड एवरी आइटम। ऑलरेडी देयर बजट वाज इन्फ्लेशनरी, उनका बजट में उन्होंने एंटरटेनमेंट टैक्स रेज करी और जो कि केबल टीवीज पर and for example films, देखिए एक middle class family के लिए जाके film go and see films अपने friends के साथ अपने family के साथ is a major source of entertainment। अब उसमें भी आप tax लगा के you have really put a dent into the pocket of middle class budget। price of अपने pollution tax लगाई बाहर से जो trucks आ रहे हैं उसपे, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि उसका बिकॉज आफ्टर पॉलिसीज देते हो तो यू हैव टू लुक इनटू वेरियस फैक्टर्स। अभी एनजीटी का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक ऑर्डर पास किया है उन लोगों ने, उनके मुताबिक दिल्ली का यमुना के किनारे जितने भी खेती हो रहे थे वहाँ फार्मर्स सब्जियाँ उगाते हैं, आपको पता है, और इसीलिए उसी कारण दिल्ली की सब्जी में हम कंपेरेटिवली कम रेट पर हमें सब्जी मिलती है। लेकिन आप एनजीटी के ट्रिब्यूनल की उस ऑर्डर के हिसाब से उधर फार्मर्स खेती उनको बंद करना पड़ेगा, सो दे कांट ग्रो वेजिटेबल्स आउट देयर, सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंपैक्ट द सप्लाई इन दिल्ली एंड गोइंग टू रेज द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स व्हिच इज इंक्रीजिंग इन एनी केस। आप बाहर से आप ट्रक्स जो कमोडिटीज को स्टेट्स के अंदर लाते हैं, दिल्ली में लाते हैं, वहां आपने टैक्स लगाए, सो अगेन इट इज गोइंग टू बी adding to the burden of people, it is definitely going to give rise to everyday commodities of everyday consumptions. Uska upar se aap VAT increase kar rahe ho petrol and diesel mein, so this is going to be really really inflationary. Unka bahut achhi tarah se main kal kuch debates mein participate kari aur Aam Aadmi Party ki spokesperson bahut hi isko achhi tarah se साइड ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बार बार करके ये बता रहे हैं कि नहीं, इस आइटम्स में खाली टोबैको है, खाली लीकर है, खाली गुटखा है, लेकिन वो पेट्रोल और डीजल का बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम उनका सर्कुलेशन में भी पेट्रोल और डीजल के बारे में कुछ जिक्र नहीं है, इसीलिए हम फोर्थ शेड्यूल का जो जितने सारे आइटम्स हैं उसका हम अलग से कॉपी निकाले और उसको हम आपका बीसी के साथ रेस नोट के साथ उसको हम अटैच कर देंगे ताकि आप खुद देख लें किस तरह से ये गुमराह कर रहे हैं दिल्ली की जनता को, उनको सच्चाई नहीं बता रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि दिल्ली के आसपास जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो है, चार स्टेट्स, उनका साथ एक प्राइस लेवल पे पैरिटी लाने के लिए उन्होंने खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।